things. Good afternoon, everyone. Welcome to Prasad's Kitchen. Today we have Puran Puri as Amul's recipe session, and I'm handing over the mic to main chef of the Prasad's Kitchen, Prasad Kesarkar. Here we go for the Puran Puri session. Now let's see. नमस्कार, आपलं अमोल सेशनमध्ये आजच्या एपिसोडमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी प्रसाद केसरकर आपलं स्वागत करत आहे. हॅलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र स्पेशल थीम में. अभी हमारा कोल्हापुर की स्पेशल पूरणपोळी हम अभी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. अभी हम देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स. ये हर्ब चने की दाल है, ये मैंने उबाल के रखी थी. ये भीगी हुई चने की दाल है. हम इसे अंबे दाल करेंगे, जो मैं कच्ची कैरी डाल के जो बनाते हैं हमारे इधर ट्रेडिशनल. ये अमूल का घी है, ये कच्ची कैरी है, और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो पूरणपोळी को लगने वाला है, ये कोल्हापुरी स्पेशल ऑर्गेनिक गुड़ है, जैगरी बोलते हैं इसको. और इसमें जाएगा ये आटा, जाएगा गेहूं का, थोड़ा सा मैदा. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम पूरण जो है वो बनाने का है, वो अभी कैसे बनाना है वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको. एक पैन में थोड़ा सा अमूल घी डालना है, थोड़ा सा घी डालेंगे अमूल का. इसके ऊपर हम जो बॉईल की हुई जो चने की दाल है वो डाल रहे हैं इसमें. ये थोड़ा सा फ्राई करेंगे. फिर हम उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा गुड़, जो थोड़ा सा ऐसे बारीक बारीक क्रश करके लेना है, स्क्रैप करके अपने हिसाब से डालिए. जितना आपको मीठा पसंद है उतना हम डाल सकते हैं. अब ये अच्छे से फ्राई करना है. जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स और थोड़ा मेल्ट होना चाहिए अच्छे से. फिर हम उसमें डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर. ये जाएगा थोड़ा सा जायफल, वो थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे, उसका अच्छा टेस्ट आता है.
दोनों का कॉम्बिनेशन इतना मस्त है, इलायची और जायफल का। अब ये पूरन अच्छे से होने दो, हम ये धीमी आंच पर रखते हैं। और अभी हम ले रहे हैं आटा, जो पूरन पोड़ी को लगने वाला जो आटा है वो बनाने का देख रहे हैं। चार बड़े चम्मच आटा लेना है, उसमें एक बड़ा चम्मच जाएगा मैदा और थोड़ा सा डालता हूँ मैं, फिर जाएगा उसमें थोड़ी सी हल्दी, उसमें जाएगा अमूल का घी, में जाएगा थोड़ा सा नमक। यह हमारा पूरन अभी रेडी हो रहा है। इसका इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। हमारे इधर हर त्योहार में पूरन पूरी ही बनाते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, और आटा गूंद के 2 घंटे उसको रेस्ट करना है। मैंने पहले से ही आटा गूंद के रखा है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 घंटे तक ये आटा भिगो के रखा था, ये ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, ये हाथ से ऐसा नरम आटा गूंदना है। थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में अमूल का। अभी ये हमारा आटा भी रेडी है, और ये जो वो बना कैसा ये समझने के लिए, ये ऐसा ये हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर ऐसे एक ऐसे खड़ा रहेगा तो हमारा पूरन रेडी है। अभी मेरा क्वांटिटी कम है और स्पैचुला थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो अच्छे से खड़ा नहीं हो रहा। इसमें ऐसे खड़ा होएगा तो हमारा ये पूरन है वो रेडी हो गया है। फिर हम इसको पीस के, बारीक पीस के इसको हम पूरन पूड़ी बनाएंगे। अब ये मैं साइड में रखता हूँ। अब हम पूरन पूड़ी का ये करेंगे, ये जो पूरन है वो हमारे इधर ट्रेडिशनल जो बनाते हैं, वो जो ट्रेडिशनल हम जो पूरन बनाते हैं वो पाटे पाटा और बरवंटा बोलते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे रखना होता है थोड़ा सा गरम गरम, और ये ऐसे बनाते हैं। ये अभी हम थोड़ा आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने किया था, अभी मेरे पास रेडी है तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। अभी हम पूरन पोड़ी का ये बनाते हैं, पूरन पोड़ी बनाने को स्टार्ट करते हैं। ये जो रेडी हुआ है, जो पीस के मैंने पहले से रखा था, ये पूरन है। अभी हम एक छोटा सा गोला लेंगे, इसको थोड़ा ऐसे वाटी जैसा बनाना है। इसमें हम जाएगा ये पूरन, जितना गोला लिया है उतने उससे ज्यादा पूरन लेना है हमें।
अच्छे से उसको उसका मुंह दबाने का है अच्छे से, नहीं तो पूरण जो है वो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा जो पूरन पोली जो बेलते हैं उस टाइम राइस फ्लावर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पूरन पोली है वो अच्छे से बेल जाती है। देखो कैसे पूरन सब जगह चारों बाजू फैल गया है अच्छे से। अभी हम डाल रहे हैं थोड़ा सा अमूल घी तवे पे। अभी हम डाल रहे हैं पूरन पोली। तब तक और एक बनाएंगे हम। जो पूरन पोली हो गई है एक बाजू से पक रही है, अभी थोड़ा सा गैस बढ़ा लेता हूँ मैं। तब तक और एक पूरन पोली बनाएंगे। थोड़ा सा राइस फ्लावर से अच्छे से पूरन पोड़ी ये हो जाती है। हम इसको पलट देते हैं। ये मैं निकाल लेता हूँ, ये पक गई है। थोड़ा सा एक बाजू से और सेक देता हूँ थोड़ा सा कलर आने तक। हो गई है हमारी पूरन पोली तैयार, और एक बनाएंगे। अब बात करते हैं मेरा चूल्हा पूरन पोड़ी हम ये करेंगे। ये प्रसाद किचन्स में इजीली मिल जाएगा आपको, कोल्हापुर में जो आपको ऑर्डर देना है तो आपको प्रसाद किचन्स में बहुत सारे जो मेनूज है मेरे वो कोल्हापुर में मिल जाते हैं। मेरे छोड़े कुकिंग क्लासेस है कोल्हापुर में। ये अच्छे से पूरन ग्रेवी हो रही है। अभी हम ये पलट देंगे। देखो हो गई हमारी पूरन पोड़ी तैयार। अच्छे से हो गई है ये अभी हम पलटी करेंगे। ये हो गई तैयार पूरन पोड़ी। अब इसको एक फोल्ड डालेंगे। ये हो गई हमारी तैयार पूरन पोड़ी। अब गैस बंद कर देता हूँ। अब हम देखेंगे, अब हम एक बाजू रख देंगे गुड़ौनी करने के लिए। जो कोल्हापुर में खाते हैं पूरन पोड़ी के साथ, इसमें जाएगा पानी, 1 कप पानी जाएगा।
उसमें जाएगा थोड़ा सा गुड़, अच्छे से बॉईल होने तक इसको हम रखेंगे। ये थोड़ा बॉईल होने तक हम अंबे डाल करेंगे जो महाराष्ट्रियन स्पेशल है। इसमें जाएगा भीगी हुई चने की दाल, 1 कप लेंगे हम चने की दाल भीगी हुई। रात भर भिगाना है उसको, नहीं तो 1-2 घंटा भी चलेगा, 2-3 घंटा चलेगा। थोड़ी सी हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च और ये जाएगा कच्ची कैरी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। ये जाएगा इसमें और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, इसमें जाएगा थोड़ा सा गुड़ और ये सब हमें पीस लेना है अच्छी तरह से। फिर हम उसमें और एक ऐड करना भूल गए, थोड़ी सी हल्दी। फिर हम इसको तड़का लगाएंगे जीरा मोरी का, जीरा और राई का, अमूल घी के साथ। थोड़ा ये ग्राइंड करता हूँ, ये गुनगुना पीसना है, ज्यादा ज्यादा नहीं पीसना है इसको। दाल की इसको अंबे डाल देते हैं। आसानी से थोड़ा 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 भी इसमें पानी डालना जरूरी है क्योंकि ये हो नहीं रहा है। बस ये हो गई हमारी चटनी तैयार। थोड़ा सा ग्राइंड कर लेता हूँ। ये हमारी गुड़ौनी रेडी हो गई है, ये थोड़ा ठंडा होने तक रखेंगे बाजू में उसको। गैस मैंने बंद किया है, इसको एकदम बुनबुन एकदम ज़्यादा ये नहीं करना है, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ही पीसना है, गुनगुना पीसना है इसको। हम ये निकालेंगे एक बाउल में, बाजू में रखता हूँ मैं। अभी इसको जो तड़का लगाने का है वो अभी हम तड़का लगाएंगे। ऑन करेंगे, थोड़ा सा पैन क्लीन कर लेता हूं। अभी हम इसमें डालेंगे अमूल घी,
और थोड़ा सा डालेंगे अमूल घी, फिर हम उसमें डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता, करी लीव्स, पहले डालेंगे उसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा तेल गर्म होने तक ये करेंगे। ये थोड़ी जो गुड़वनी हमने जो बनाई है वो थोड़ा गर्म है, तो वो थोड़ी ठंडी होने तक ये करेंगे। थोड़ा तेल गर्म हो गया है, डालेंगे उसमें राई, थोड़ा सा ज़ीरा, ये फ्रेश करी लीव्स, जाएगी थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हल्दी। ये हमारा तड़का रेडी है। ये तड़का हम इसके ऊपर लेंगे जो हमने अंबे दाल बनाई है उसके ऊपर रखेंगे। अब जो हमारी जो पूरन पोड़ी रेडी हो गई है, अब वो हम प्लेटिंग करते हैं उसका। ये जो गुड़वनी जो हमने बनाई है वो अभी हम इसके ऊपर लेंगे। ये हमारी ट्रेडिशनल थाली है कोल्हापुर की। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध, अमूल दूध। तो ये हमारी हो गई गुड़वनी तैयार। फिर इसमें डालेंगे अमूल का घी, और एक बाजू जाएगा ये जो हमने बनाई हुई जो अंबे दाल है वो जाएगी, और फिर जाएगा ये अमूल का घी जो पूरन पोड़ी के साथ इतना मस्त लगता है। ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल पूरन पोड़ी थाली। मैंने तो अभी खाली पूरन पोड़ी ही सिखाई है आपको, पर आपको समझ में आने के लिए मैंने ये हमारा ट्रेडिशनल जो थाली है इसलिए वो बाकी के मेनू मैंने पहले से ही बना के रखे थे, और आपको अभी ये कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी मैं इधर हमारे जो डिस्प्ले की उधर रखता हूँ ये थाली। महाराष्ट्रियन स्पेशल पूरन पोड़ी, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी कोल्हापुरी स्पेशल पूरनपोड़ी पसंद आई हो। और मैं और आपका मेरे जो कुकिंग क्लासेस है कोल्हापुर में वो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रसाद किचन करके है मेरे पेज का नाम है। और आपने जो अमूल ने मुझे जो आज मौका दिया उनका हिस्सा होने के लिए, इसलिए मैं अमूल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।